जब मध्य प्रदेश से आज बड़ी खबर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी अगली प्रत्याशी सूची जारी कर दी है। कुल 11 लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। बीएसपी की तरफ से लगातार अलग अलग जो प्रत्याशी सूची है वो जारी की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 230 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से कई सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ यह गठबंधन है, लेकिन कई सीटों पर बीएसपी अपने आप के जनाधार को मजबूत करने के लिए प्रत्याशी बड़ी संख्या में उतार रही है। और यहां पर आपको बता दें कि आज 11 लोगों की सूची बीएसपी की से जारी की गई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आज जारी की गई सूची के अंदर पहला नाम मुरैना की सीट से है, जहां पर राकेश रुस्तम सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा। इसके अलावा लाखन सिंह यादव को शेवड़ा की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। शत्रुधन यादव उर्फ पप्पन पहलवान को ग्वालियर की सीट से, अब्दुल रज्जाक लाला को उज्जैन उत्तर से, ओम प्रकाश मालवीय को धार की सीट से, जुबान सिंह मोरे को कन गांव की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। जगदीश रागोटा को गरोट की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। जगदीश चोहिल को बदनावर की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। बालू सिंह निनामा को झाबुआ की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। लोकेंद्र सिंह अहिरवार को दतिया की सीट से, राजवीर सिंह बघेल को मे गांव की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो कुल आपको बता दें कि 11 लोगों की प्रत्याशी सूची है जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कई अहम नाम आपको बता दें कि शामिल किए गए हैं। और इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस से जो लोग टिकट मांग रहे थे, उन लोगों को भी बीएसपी ने टिकट दिया है, जिनकी टिकट कट गई थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच सीधा देखने को मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी अगर मध्य प्रदेश के अंदर करीब 3 दर्जन सीटें भी जीत जाती है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो आपको बता दें कि एक सरकार पे बैलेंस ऑफ पावर जिसके बारे में दावा कर रही है बीएसपी, वो बना सकती है। मिलेंगे अपडेटों के साथ, तब तक आप चले विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।